के त्योहार पर हम कुछ डिशेस बनाएंगे जिसमें आलू की कचौड़ी मेन है। हम सारे आलू छील लेंगे। हमने यहाँ शिमला आलू बनाने के लिए शिमला को इस तरह से कट करके रख लेंगे। इस तरह से इसको इधर से काटेंगे और इधर से काट के सारे साफ करके रख लेंगे। इधर हम आलू सारे फोड़ लेंगे, आलू का पेस्ट बना लेंगे कचौड़ी के लिए। इधर धनिया काट रहे हैं, आलू फोड़। आलू हमारे सारे फूट कर तैयार है। हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, सारे मसाले मिला लेंगे। इसमें धनिया डाल देंगे, हरी मिर्च कटी भी डाल के सारा मसालों को इनको अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जब तक ये मैच नहीं हो जाती तब तक इनको ऐसे ही मिलाते रहेंगे। इधर बच्चे मस्ती कर रहे हैं। इधर कचौड़ी के लिए हम आटा तैयार कर लेंगे। हमने थोड़ा गर्म पानी लिया है, इसको गर्म पानी में अच्छे से गूंद लेंगे। इधर ही हमारा बेटा मस्ती कर रहा है, लकड़ी लेके जा रहा है खेलने के लिए। इधर ही हनी शैतानी करते करते गिर गया है और चोट लग गई है, लकड़ी ऊपर से लिपट रही है और रो रहा है। इधर ये हंस रहा है कि हनी गिर गया है। इधर ये बच्चे शैतानी कर रहे हैं, देखो इधर कला कर रहा है ये। हमने यहाँ से मल आलू के लिए आलू से मल तैयार कर लिए हैं। आटे में नमक डालकर अच्छे से गूंद लेंगे इसको कचौड़ी के लिए। इधर हमने ये रायता तैयार कर लिया है। इधर हम ये आटा गूंद रहे, इधर बच्चे मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, होली है। इधर हम ये सिमल को धो लेंगे अच्छे से। धुलने के बाद एक बर्तन अलग कर लेंगे। आलू को भी इसी तरह से अच्छे से धो लेंगे साफ कर। हरी मिर्च काट लेंगे, हरी मिर्च कट गई है। कुकर रख देंगे, गैस गर्म करेंगे और ये ऑयल डालकर, जीरा डालकर, हरी मिर्च डाल देंगे, सिमल डाल देंगे। इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुके हैं। इधर ये बहुत बादल आ गया है, मौसम ख़राब हो गया है। सिमल हमारे भून गए हैं, हम आलू डाल देंगे। इनको सब अच्छे से मिक्स करेंगे, सब मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, पानी डालकर बनने के लिए रख देंगे। इधर ये देवर शैतानी कर रहे हैं, मम्मी मुझे पिचकारी चाहिए। इधर हमारे आलू का पेस्ट तैयार हो गया। हम इधर कचौड़ी बनाने के लिए आलू भरकर कचौड़ी बना रहे हैं। देखो कैसे गोल गोल कचौड़ी, हम हाथ से ही कचौड़ी बनाएंगे। देखो बन गई, हम डाल देंगे कचौड़ी। देखो कितने अच्छे से बन गई है ये। इतने इतने ये पकते हैं, इतने दूसरी तैयार करते हैं। इधर ये बूंदे पड़ने लगी थी तो हमने ये टीन का वो लगा लिया है। देखो हमारी कचौड़ी बन गई है। इधर ये लाइन लगा कर बैठे हैं कचौड़ी के लिए, क्योंकि पहले पूजा होगी तभी सबको खाने के लिए मिलेगी। इधर हम ये मट्ठा छोक लेंगे, एक एक करके सारी कचौड़ियाँ बनाते जाएंगे। अभी हम दूसरी कचौड़ी बना रहे हैं। हमने एक थाली लगा दी है होली पे जाने के लिए, कचौड़ी चौड़ी सब भिजवा दी है। पूजा हो गई, अब खाने के लिए तैयार है हमारे हस्बैंड जी। देखो ये हमारे हस्बैंड जी अब खा रहे हैं। वाह।